सेक्शन में हम आपकी बुक में जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके आंसर से डील करेंगे सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन जीनो टाइप एंड फिनो टाइप अब इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि उन्होंने दो डेफिनेशन मांगी हैं आप पहले जीनो टाइप की हेडिंग लिखे और बता दें कि द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज इट्स जीनो टाइप और फिर आप फिनोटाइप की हेडिंग दें और वो बता दें कि द सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स जीनो टाइप इज नोन एज फिनोटाइप और एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन भी मैंने दी है जो आपको आसान लगी वो आप लिख दें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज वट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिसेबलील्स अगेन उन्होंने आपसे सीधा सीधा ये पूछा है कि डोमिनेंट एल क्या है और रिसेसिवलील क्या हैं तो आपने बताना है कि डोमिनेंट एज़ वो हैं जो हिट्रोसाइगस कंडीशन में वो एलील जो मास्क कर देती है या प्रिवेंट करती है दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को उसे हम डोमिनेंट एलील कहते हैं और रिसेसिव एलील वो होती है जो मास्क हो जाती है यानी जिसका एक्सप्रेशन नहीं होता इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड और इट इज सप्रेस्ड बाय द डोमिनेंट एलील इज कॉल्ड रिसेसिव एलील ये दोनों चीजें आप लिख दें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द होमोजाइगस एंड हीट्रोजाइगस जीनोटाइप अब अगेन उन्होंने सीधा सीधा पूछ लिया कि होमोजाइगस और हीट्रोजाइगस जीन जीनोटाइप्स क्या हैं तो आप पहले होमोजाइगस की हेडिंग देंगे और बताएंगे द जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन्स टू आइडेंटिकल एलील्स इज कॉल्ड होमोजाइगस जीनोटाइप और हीटोजाइगस में ये है कि दे कंटेन टू डिफरेंट एलील्स दैट इज कॉल्ड अटोजाइगस जीनोटाइप तो ये आप लिख दें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सेलेक्शन अब इस पर आपने डिफ्रेंशियट करना है तो आप इसको कंपेरेटिव फॉर्म में लिखें दो तो हेडिंग्स हैं नेचुरल सिलेक्शन की और आर्टिफिशियल सिलेक्शन की और आप बताएं कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो नेचुरली ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेवरेबल या डिजायरेबल करेक्टर जो नेचर में हो रही होती है इंसान का उसमें कोई अमल दखल नहीं होता और ये बहुत स्लो होती है और ये सेवरल जनरेशन में जाके जो है ये नेचुरल सिलेक्शन होती है जबकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है हम जानबूझ के उन एनिमल्स को या उन ऑर्गेनिज़म्स को ब्रीड करते हैं जिनमें डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं तो उनसे हम फर्दर जो ऑब्सविंग्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें वो सारे डिज़ायरेबल करेक्टरस्टिक्स हैं और हम नई ब्रीड और नई वैराटीज़ बना सकते हैं तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में आप ये बता दें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन